फोर्स के ऑफिशियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट आ चुके हैं इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लगभग 6:30 बजे 6:30 पे आपको टेलीग्राम पे डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए और स्कोर देखिए। ये एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, ठीक है, समझ गए होंगे। चलो, ये तीनों हैं यहाँ पे, एक्स वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का। आगे बढ़ते हैं। सो एग्ज़ाम आपका बहुत पास है, अभी है क्या सेक्शन देखो, इस बार थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग ज़्यादा है। कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं या फिर कोई भी है वो थोड़ा सा डाउट में है कि पहले नंबर तो ये ध्यान ही ना दो कि कितना फॉर्म फिल हुआ है, कुछ भी, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। आपको एक टॉपिक यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, इंग्लिश का वोकैब सेक्शन, जिनसे क्वेश्चन पक्का आता है। और वोकैब सेक्शन अगर आप इन सारी चीज़ों को कवर करते हो तो आप कहीं ना कहीं कैंडिडेट से ज़्यादा आगे निकल जाओगे। और मैं बता रहा हूँ कि आप अगर फेज़ फर्स्ट क्लियर करोगे तो फेज़ सेकेंड में रनिंग भर में ना आउट हो तो बाकी आप ईजिली क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप शेयर करेंगे। फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम में आपका मतलब SRT भी होगा और GD भी होगा, दोनों की दोनों चीज़ें होंगी, उनकी टेंशन मत लीजिएगा, अपन फुल करा देंगे, ठीक है। बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है उससे लेके। तो एयरफोर्स एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। अब देखो, एक आपका इंग्लिश कॉमन होगा, वो फिर एक्स ग्रुप का हो या फिर वाई ग्रुप का हो, ठीक है। तो एक्स ग्रुप का हो या फिर वाई ग्रुप का हो या फिर एक्स वाई ग्रुप का, आपको इंग्लिश का सेक्शन देना ही पड़ेगा। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रागा सेक्शन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो भाई आपके लिए मतलब सिंपल से पहले नंबर तो एक अटल सत्य बताता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ ये बताता हूँ कि वो कैब से कैसी मतलब ट्रिक है या जो बोलो आप, कि बिना लर्न किए उसका कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। बिना लर्न किए उसका कोई जुगाड़ नहीं है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे वोकैब्स के कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन के आते हैं जिन्हें मतलब जिन्हें आप टैकल कर सकते हो। अब जैसे कि आप ऑफिशियल मॉक टेस्ट मैंने अभी आप सभी को दिखाया, उसमें था क्या कि दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एक क्वेश्चन तो आपका था डाउट का मीनिंग पूछा था, डाउट किसे नहीं आता बताओ। मेरा अगर जो वीडियो देखता है, मैं हर एक वीडियो, कोई भी मेरा वीडियो ऐसा नहीं रहता होगा जहाँ पर मैं डाउट वर्ड ना बोलता हूँ, कि कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। डाउट का मीनिंग आता है रिवेल, एक मीनिंग दिया हुआ था रिवेल, रिवेल करना, प्रकट करना, कॉमन से टर्म में ये मीनिंग यूज होता है रिवेल करना। और इडियम एंड फ्रेजेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब होते क्या हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना लर्न किया। वैसे ये डिफ़िकल्ट नहीं आते। कौन कौन से टॉपिक आते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। वोकैब सेक्शन पे यहाँ पे WORD होगा। तो सबसे पहले तो आपको साइनोनिम या सिमिलियर मीनिंग देखने को मिलेगा। अब ये कितने आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। वोकैब से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे 6 to 7, आपके वोकैब से क्वेश्चन बन के आएंगे 6 to 7, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे 6 to 7 कैसे भैया, तो एक क्वेश्चन आपका पैसेज में ज़रूर देखने को मिलेगा जो आपको मीनिंग सेम फाइंड आउट करना होगा पैसेज से ही। मतलब चार क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, चार में एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम या फिर साइनोनिम या फिर गलत मीनिंग, कुछ गलत मीनिंग रेयर करके होता है आपका एंटोनिम एंड साइनोनिम, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पूछेगा कि ये मीनिंग जो यहाँ पर बोल रखा है ब्रेव टाइप में, इसका सिमिलियर मीनिंग क्या होगा वहाँ पे। और डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा वोकैब सेक्शन तो आप दूसरों से काफ़ी आगे निकल सकते हो। और अगर आप वोकैब को इग्नोर कर रहे हो तो आप रागा सेक्शन में 30 में से 30 नंबर भी ला के, या 30 में 28 नंबर ला के, इंग्लिश में 13 नंबर ला के 40-41 स्कोर कर पाओगे। और मेरे अकॉर्डिंग अगर एक्स ग्रुप का वाई ग्रुप के स्कोर की बात करते हैं तो इस बार 40 नंबर तो आपका स्कोर आना चाहिए। कहीं भी प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, 40 नंबर का टारगेट आपका होना चाहिए। कि 40 नंबर अगर आएंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। 40 बहुत होता है निगेटिव मार्किंग में, लेकिन पेपर ईजी आता है इस वजह से 40 बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे साइनोनिम्स की बात करते हैं तो साइनोनिम पक्का आपको देखने को मिलेगा पेपर में, एक नंबर का मिलेगा। दूसरा नंबर ये हो सकता है कि पैसेज वाले क्वेश्चन में एंटोनिम पक्का आपको एक नंबर का देखने को मिलेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पे idiom एंड phrases एक क्वेश्चन पक्का होगा। स्पेलिंग इरर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब स्पेलिंग इरर क्या होती है आप सभी जानते होंगे, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपके बन के आएंगे, ठीक है। स्पेलिंग इरर में या तो एक मीनिंग, अभी आप ऑफिशियल मॉक लगाओगे उसमें कमांडर का मीनिंग दिया हुआ है, परमानेंट का मीनिंग बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बटालियन का मीनिंग बहुत पूछा जाता है, BATTALION, ठीक है। जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट लगाओगे ना उसमें कमांडर का मीनिंग दिया हुआ है, तो
ऐसे मीनिंग, मतलब कमांडर COMMANDER DAR, कहीं पे डबल एम की जगह सिंगल एम कर देगा, तो जो राइट मीनिंग आपसे पूछ लेगा, एक तो ये क्वेश्चन बन के आएगा, और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन के आएगा आपके पेपर में कि चार मीनिंग दी होंगी, 1 2 3 4, आपकी चार मीनिंग दी होंगी वहाँ पे, और उनमें से कोई एक सही होगा, उनमें से कोई एक मीनिंग सही होगी, उसको आपको राइट क्लिक करना होगा। ठीक है, समझ गए? चार मीनिंग आपकी दी होंगी, 1 2 3 4, उनमें से एक आपको सही करना होगा और तीन गलत होंगी। इस तरह से बन के आपका आ जाता है स्पेलिंग एरर में। वन क्वेश्चन इन पैसेज, ये मैंने आपको बता दिया। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिलेंगे वो कैप्स में, जिसमें 1 से 2 सभी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में, भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा का पूरा ग्रामर ये बिल्कुल मे भी बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इन सेक्शंस की, वैसे मैं इनके लिए एक PDF तैयार करूँ, जल्दी बन पाएगा तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। बाकी मेरा प्लान है कि एटलीस्ट 100 100 क्वेश्चन के वीडियोज़ लेके आऊँगा चैनल पर, ठीक है, और फिर उनके बाद में मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूंगा, PDF प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे, और EDM के लिए मैंने एक PDF आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर की थी, जल्दी सब्स्टिट्यूशन की शेयर करूंगा, जो उन पे टिक लगा दूंगा। वैसे एक बात बताता हूँ आपको, आप में से जिस जिसके पास लूसेंट है ना भाई, एक मीनिंग आज तक कभी बाहर मैंने नहीं देखी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, इसी से हमेशा इसी से आपका मीनिंग मिला है लूसेंट। तो अगर आपके पास, आपने थोड़ा बड़ा पढ़ा है, आपने 50% कंप्लीट किया, तो उसे 75% तक ले जाओ, क्योंकि ये जो वोकैब्स वाले सेक्शन होते हैं, ठीक है, ये मतलब कंपटीशन को लाइक थोड़ा सा कम कर देते हैं, इनमें मुकाबला बहुत कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन तो मतलब मुकाबला तो हार्ड ही क्वेश्चन में होता है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो 90% सही कर देंगे ना, ठीक है, लेकिन भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, काम खत्म, यहाँ पर 30% आ जाएगा। बस इस तरह वाली टेक्निक आपको फॉलो करनी है, वही चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर वो कैप सेक्शन अच्छा करना है। बाकी मैं इनकी PDFs आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा जल्दी, और वीडियोज़ के थ्रू भी आएंगे, तो आप उनको थोड़ा सा देखिएगा, सपोर्ट करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम के लिए, उसके बाद नेवी एग्जाम के लिए, स्पेशली एयरफोर्स एग्जाम के लिए परीक्षा पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है। प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं की अभी कर लीजिए, मॉक में इसको वहाँ पे, अब देखो वो मॉक लगाना, ये मॉक लगाना, आपको एग्जाम रिलेवेंट लगेगा, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। बाई कट कोड का ऑप्शन है, ऑनलाइन D50 यूज कर लेना, कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आज कर लेना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो मुझे चीज़ें समझानी थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। मैं PDFs आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, जबकि मैंने एक बुक एप्स वाली शेयर भी की थी, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर करता रहता हूँ डेली। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।